स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेन फोकस या मेन जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है ट्रांसफर पॉलिसी। उसी ट्रांसफर पॉलिसी को लेके आप सबके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है, जो पीछे ट्रांसफर पॉलिसीज थी या एनुअल ट्रांसफर ड्राइव थी, काफी देर से नहीं हो पाई थी, ये उन सब से डिफरेंट है और इसमें बेसिक अप्रोच जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक रखी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है उसमें एरियाज को डिफरेंट जोन्स में, 5 जोन्स में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जो जोन 1 है दैट इज द म्युनिसिपल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने भी हैं उनको म्युनिसिपल इसमें रखा गया है जोन 1 में। जोन 5 में इनएसेसिबल एरियाज हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे रजौरी का कुछ एरिया ख्वास है, पुंछ का है, देन किश्तवाड़, रामबन, डोडा, कठुआ, इनके कुछ एरियाज को स्पेसिफिकली जोन 5 में रखा गया है जिसमें टेन्योर ऑफ स्टे जो है वो 1 साल रखा गया है। इसी तरह जोन 4 में टेन्योर को 2 साल रखा गया है जो उससे थोड़ा सा कम है, जिसमें बियॉन्ड 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन फुट ट्रेवलिंग है वहां टीचर्स जो है वो वापस हो सकता है पोस्टिंग के बाद शाम को घर ना आ पाए, 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद आ पाए। ये यूनिफॉर्म है विद ऑल कैडर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, चाहे डिवीजन कैडर है, चाहे स्टेट कैडर है, लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, सभी के लिए है। इसी तरह से 3 साल के ऊपर जिनकी स्टे है सबको अप्लाई करना है। अब बीच में कुछ लोगों का ये रहता है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कहां से नोटिस होंगे, वी हैव ए डेटाबेस। और इतना मैं आपके माध्यम से टीचर फ्रेटर्निटी को भी बताना चाहता हूं कि आप सभी अप्लाई कीजिए जो 3 साल से ऊपर है। जो रह जाएगा, जिसने अप्लाई नहीं किया, वो डेफिनेटली 4 और 5 जोन में जाएगा। अदरवाइज हो सकता वो बच जाए, 3rd में 2nd में जाए, बट जो अप्लाई नहीं करेगा, अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेगा, ही विल डेफिनेटली गो टू जोन 4 एंड 5। अटैचमेंट का भी बात उठी यहां पे, अटैचमेंट में भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग ए सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द डीडीओज एंड सीईओज कि इसके अलावा कोई नहीं है, हम एक डाटाबेस तैयार करके, दे विल आल्सो बी गोइंग टू देयर ओन स्कूल्स, यहां पे पोस्टेड है उनका टेन्योर जो है वो उसको जहां पे अटैच है वहां काउंट किया जाएगा। अगर जोन 1 में अटैच है तो उनका ये वाला टेन्योर हम जोन 1 में कंसीडर करके, दे विल बी गोइंग टू जोन 2, 3, 4 एज पर ट्रांसफर पॉलिसी, हूएवर एलिजिबल। इसी तरह से RET के लिए जो Grade 2 और Grade 3 टीचर रेगुलराइज हुए हैं उनको इस ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर रखा गया है बिकॉज वो स्कूल स्पेसिफिक है, उनकी अपॉइंटमेंट ही स्कूल स्पेसिफिक हुई है इन द फार फ्लंग एरियाज टू रन दो स्कूल्स। ये ऐसा नहीं है, जैसा आप जानते हैं कि डे टू डे इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं पोर्टल को लेके, हम उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं और एनी सजेशन इन दिस रिगार्ड इज वेलकम, चाहे वो हमारी डिफरेंट टीचर्स की कम्युनिटी से आ रहे हैं, चाहे बाहर से भी सजेशन आ रहे हैं, उनको माइन्यूटली देखा जा रहा है और यहां पे करेक्शन की पॉसिबिलिटी है उसको ठीक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वी आर अगेंस्ट टीचर्स और ये टीचर को ही हरास करने के लिए, कुछ लोग बीच में ये आ रहा है कि जी ये तो पूरा वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अप्रोच है स्टूडेंट सेंट्रिक और एटलीस्ट हमें इतना कॉन्शियस होना चाहिए फॉर विच वी आर बीइंग पेड, वी शुड परफॉर्म, हमें वो काम करना है जिसके लिए हमें तनख्वाह मिल रही है। तो मेरी आपके माध्यम से टीचर कम्युनिटी को भी ये अपील है, जिनका टाइम पूरा हुआ है वो अप्लाई करें, डोंट हाइड एनीथिंग। कोशिश की जाएगी स्टूडेंट्स को देखते हुए और टीचर्स को भी सूटेबली एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक को उठा के एक कोने से दूसरे कोने में फेंकने वाले हैं, बिकॉज अगर स्कूलों को चलाना है तो ट्रांसफर्स में टीचर्स की कन्वीनियंस को भी देखना पड़ेगा। थैंक यू। मेन मोटिव क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आपने सभी को आईडिया? पॉलिसी को हाईलाइट करने के लिए, कुछ लोगों की क्वारीज थी उनको हाईलाइट करने के लिए ये इस सबसे इंटरेक्ट करने की बहुत जरूरत थी, जिसके लिए आप लोगों को इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, हर बार कहा जाता है कि एजुकेशन विभाग में जो है काफी सारे बदलाव होंगे, लेकिन कुछ रसूखदार टीचर्स जो हैं वो 15-15, 20-20 साल से एक एक ही जगह पे लगे हुए हैं, बहानेबाजी करके हैं, अपना वेट एंड वॉच। मैं इतना कहूंगा आज की डेट में, अभी इट्स प्री मैच्योर टू से एनीथिंग, बट टाइम विल टेल।
बहुत सारे स्कूल्स है सर जहाँ पे चारदीवारी नहीं है, बहुत सारी चोरियां चकारियां हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाने की, उसमें हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब लगे हैं। दो तीन दिन पहले ही एसएससी का जो बजट है वो अप्रूव हुआ है, होपफुली यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस। तो प्राइवेट स्कूल्स का भी बड़ा इशू है। हाँ, यस, वी आर अवेयर ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस। इन द कमिंग डेज यू विल फाइंड एक्शंस।